सदगुरु न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये बुलेटिन भगवान हनुमान के सेवा के लिए किए गए कार्य को लेकर समर्पित होगा, जिनका जन्मोत्सव 23 अप्रैल को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ सदग्रीव समाज सेवा और सदगुरु कबीर सेना द्वारा मनाया गया। इसके अलावा सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के आशीर्वाद से आयोजित होने जा रहे विशाल भंडारे के बारे में भी हम जानकारी देंगे, जिनका आयोजन बद्रीनाथ धाम में होने जा रहा है। तो आइए बिना देरी किए इस खास पेशकश की शुरुआत करते हैं। सदगुरु न्यूज में बात सबसे पहले दिल्ली की करते हैं, जहां नांगलोई स्थित सदगुरु आश्रम में हनुमान जयंती के पावन अवसर पर ध्वज आरोहण किया गया। इस दौरान आश्रम में पुराने ध्वज की जगह नए ध्वज को बदला गया। पवन पुत्र हनुमान को समर्पित इस पावन अवसर पर आश्रम में आए भक्तों को सदगुरु श्री कृष्णानंद जी महाराज के गुरुमुख से महाबली हनुमान की सेवा भाव का कथा भी सुनने को मिली, जिन्होंने अपने गुरु सूर्य के कहने पर अपना राजपाट छोड़कर प्रभु राम और वानर राज सुग्रीव का साथ दे रहे थे। सदगुरु समाज द्वारा पवन पुत्र हनुमान की भक्ति केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिली, जहां जरूरतमंद लोगों के लिए खाने की सामग्री की व्यवस्था की गई। दरअसल राजस्थान के कोटा में सदग्रीव समाज सेवा संस्थान ने झुग्गी बस्तियों में रह रहे लोगों के साथ हनुमान जयंती मनाया। इस दौरान शिव कीर्तन के साथ जरूरतमंद लोगों के लिए खाने की सामग्री भी बांटी गई। इस पावन मौके पर सरोज शर्मा, रानी रावत, हेमलता, महेश रावत, सत्यनारायण शर्मा और सदग्रीव समाज के अन्य लोग भी उपस्थित रहे। इसके अलावा कोटा में ही निर्माणाधीन सदगुरु धाम आश्रम के छत का निर्माण कार्य पूरा हुआ। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रथम प्रचारक संजय भंडारी ने बताया, निर्माण कार्य में बहुत सी परेशानियां होते हुए भी श्री सदगुरु देव के आशीर्वाद से निर्माण कार्य का एक और चरण पूरा हो गया। वहीं सदगुरु धाम कोटा के अध्यक्ष पवन शर्मा का कहना है कि प्रथम तल की दीवारें, प्लास्टर, लाइट समेत अन्य कार्यों के लिए अधिक राशि की आवश्यकता है, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु आगे आए और सदगुरु धाम के निर्माण कार्यों को पूरा करने में अपना योगदान दें। अब राजस्थान के बाद बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर सदगुरु कबीर सेना छत्तीसगढ़ और सदग्रीव समाज सेवा के द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन करवाया गया। ये आयोजन सुरगी राजनांदगांव के जिला केंद्र अध्यक्ष राजेंद्र जी के नेतृत्व में कोहाका गाँव में हुआ, जिस दौरान बाराडेरा और गोरखेड़ा के सदगुरु धाम आश्रम के सदस्यगण भी मौजूद रहे। कोहका में आयोजित इस सुंदरकांड पाठ में लोगों को हनुमान जी के गुरु महिमा की कथा बताई गई। वहीं छत्तीसगढ़ के अन्य जगहों पर भी कबीर सेना और सदग्रीव समाज सेवा के नेतृत्व में सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति में सुंदरकांड पाठ हर्ष उल्लास के साथ सम्पन्न हुआ। अब चलते चलते हम उस विशाल भंडारे के बारे में भी जानकारी दे देते हैं, जिसका आयोजन बद्रीनाथ में होने वाला है। दरअसल बद्री विशाल के पावन बद्रीनाथ धाम में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 10 मई से विशाल भंडारे का आयोजन होने जा रहा है। सदगुरु स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज की प्रेरणा और दिव्य मार्गदर्शन से सदग्रीव समाज द्वारा इस विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी इस हफ्ते की वीकली रिपोर्ट। इसी तरह हर शनिवार हम आपके लिए लाते रहेंगे वीकली अपडेट। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ सदगुरु न्यूज़ पर।